मेरा नाम है कुमकुम बिंदवाल। बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों, नुपुर शर्मा पर देश के अलग अलग शहरों में कई मामले दर्ज हैं जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गई थी ये कहते हुए कि क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में उन पर मामले दर्ज हो गए हैं और उनको सुनवाई के लिए बार बार अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा है, तो वो चाहती हैं कि क्योंकि वो दिल्ली में रहती हैं तो उनके सारे मामले दिल्ली की कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाए, इस बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की सुनने से पहले नुपुर शर्मा को ऐसी फटकार लगाई जिसकी उम्मीद नुपुर शर्मा ने बिल्कुल नहीं की थी। नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये कहा है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा से कहा कि क्योंकि टीवी पर ही पूरा विवाद खड़ा हुआ था, टीवी पर ही उनकी तरफ से आपत्तिजनक टिप्पणियां मोहम्मद साहब के लिए की गई थी, तो टीवी पर ही आकर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा को साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप टीवी पर आएं और माफ़ी मांगें, जहां से विवाद शुरू हुआ था वहीं आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो दिल्ली में जो बात ट्रांसफ़र करने की हुई उस पर तो खैर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। दोस्तों, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने न केवल नुपुर शर्मा को फटकारा बल्कि उस न्यूज़ चैनल और एंकर को भी फटकारा जिसकी मौजूदगी में इस तरह की डिबेट हुई। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको लगा कि उस डिबेट का गलत इस्तेमाल किया गया या वो डिबेट जो डिबेट थी वो गलत दिशा में जा रही थी, तो सबसे पहले आपको उस एंकर के खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए थी। इसके अलावा न्यूज़ चैनल्स पर सुप्रीम कोर्ट ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं जरा गौर से सुनिए। What is the business of the TV channel to discuss the matter which is sub judice except to promote an agenda? यानी कि सुप्रीम कोर्ट टीवी चैनल्स को कटघरे में खड़ा कर रहा है, टीवी चैनल से सवाल पूछ रहा है कि टीवी चैनल्स का काम क्या है, उस तरह के मुद्दों पर चर्चा करना जो सब जुडिस है या फिर अपना एजेंडा चलाना। तो ये फटकार न केवल नुपुर शर्मा के लिए दोस्तों बल्कि टीवी चैनल्स के लिए भी है और ख़ास तौर पर उस टीवी चैनल के लिए है जिसकी मौजूदगी में जिसके अंतर्गत ये चर्चा हुई और ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने नुपुर शर्मा की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आज जो देश में हो रहा है उसके लिए अकेली नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं जिसके लिए उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई कि आखिरकार अब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और दोस्तों चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अब यूट्यूब ने थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।